हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंसिया ब्रेंडी। वेजिटेबल साइंस एमसीक्यू सीरीज के 36 पार्ट में स्वागत है। तो आज के वीडियो में भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि या तो प्रीवियस ईयर आईसीआर जेआरएफ, आईसीआर एसआरएफ या आईसीआर नेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, या जिनके पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। आपका जो अपकमिंग आईसीआर जेआरएफ आईसीआर एसआरएफ का एग्जाम है इन द फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर और साथ में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर, या जो नवाड का एग्जाम होता है, एफसीआई का जो एग्जाम होता है, आपका आईबीपीएस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्जाम होता है, उन सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले हम डिस्कशन स्टार्ट करें, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए सिर्फ आपको हमारी वीडियोज को, हमारे चैनल को शेयर करें, जितना हो सकता है अपने कलीग के साथ, फ्रेंड के साथ सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी वीडियोज को, एंड स्टे ट्यून्ड विद सिंसिया ब्रेंडी। तो आज के डिस्कशन हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, सीट कलर मोर प्रोन टू टीसीसी, यानी कि ट्रांसवर्स कोटिलेडन क्रैकिंग, जो कि आपका फ्रेंच वीन का मेन डिसऑर्डर है। तो ये कौन से सीडेड ब्राइटीज जो होती हैं, कौन से कलर वाली जो ब्राइटीज होती हैं, जो ज्यादा सेंसिटिव होती हैं इस डिसऑर्डर के लिए, रेड सीड वाली, व्हाइट सीड वाली या ब्लैक वाली या सभी? तो इसका जो राइट आंसर है डेट इज योर वी, यानी कि व्हाइट सीडेड ब्राइटीज होती है वो ज्यादा सेंसिटिव होती है ट्रांसवर्स कोटिलेडन क्रैकिंग के लिए फ्रेंच वीन में। ओके, नेक्स्ट इज प्लूरोटस स्पीसीज इज ए, प्लूरोटस जो अब जीनस है डेट इज द कौन सी मशरूम का? तो वाइटी मशरूम, मिल्की मशरूम, व्हाइट बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम। तो प्लूरोटस जो है वो आपकी ऑयस्टर मशरूम होती है। तो राइट आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट इज जमनगर लोकल इज ए वैरायटी ऑफ, जमनगर लोकल दिस इज द वैरायटी ऑफ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ, गार्लिक की वैरायटी है आपकी, राइट? ओके, नेक्स्ट इज मेट्सुब्रे इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, मेट्सुब्रे जो है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है किसका? तारों का, यानी कि कोलोकेशिया का। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट इज पी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप ड्यू टू, गार्डन पी जो होता है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, आपको पता है टिपिकल सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। तो किस वजह से, क्लिस्टोगैमी की वजह से, चेस्मोगैमी, कील या ऑल ऑफ अबव? तो पी जो होता है आपको पता है सेल्फ पॉलिनेटेड होता है क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कील। तो राइट आंसर इज सी। ओके, वेजिटेबल नोन है सुपर मार्केट ऑन ए स्टॉक, कौन सी वेजिटेबल है विच इज आल्सो नोन है सुपर मार्केट ऑन ए स्टॉक? तो डेट इज योर बिंगड बीन, बिंगड बीन को हम गॉड्स एंड वेजिटेबल भी कहते हैं। नेक्स्ट इज जीएमएस इन चिल्ली इज मेंटेन थ्रू, ओके, जीनिक मेस्टरिटी इन चिल्ली कैसे मेंटेन कर सकते हैं हम? होमोजैगस पॉलिनेशन से, हिट्रोजैगस पॉलिनेशन से, पॉलिप्लॉइडी या म्यूटेशन से? तो आपको पता है जीनिक मेस्टराइल लाइन है, ओके, तो इसको हम कैसे मेंटेन करते हैं? बाय क्रॉसिंग विद हिट्रोजैगस मेंटेनर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, हिट्रोजैगस पॉलिनेशन। ओके, काल मेघ किसी वैरायटी ऑफ, काल मेघ किसकी वैरायटी? काल मेघ जो है एक बहुत ही पॉपुलर वैरायटी, ये क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर नेट के एग्जाम में, आईसीआर एसआरएफ के एग्जाम में। तो काल मेघ दिस इज द वैरायटी ऑफ स्वीट पोटैटो। नेक्स्ट इज एडिबल पार्ट ऑफ टोमेटो इज, टोमेटो का एडिबल पार्ट क्या होता है? पेरिकार्प, प्लेसेंटा, मेसोकार्प, थैलेमस, एंडोकार्प। तो जो टोमेटो का एडिबल पार्ट होता है तो दैट इज योर पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा मिलके जो फ्लेशी टिश्यू होता है टोमेटो का वो बनाते हैं। तो एडिबल पार्ट इज पेरिकार्प एंड प्लेसेंटा। ओके, नेक्स्ट इज श्री हर्षा एंड श्री सहया आर द वैरायटीज ऑफ, तो ये दोनों जो है आपकी कसावा यानी कि टैपियोका की वैरायटीज है, हर्षा एंड सहया। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट द आइसोलेशन डिस्टेंस ऑफ कॉल क्रॉप्स फॉर सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन इज, सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए कॉल क्रॉप्स में आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रखते हैं? फाउंडेशन के लिए आपको पता है 1600 मीटर होता है, बट सर्टिफाइड की बात हो रही है यहाँ पे, तो सर्टिफाइड के लिए हम रखते हैं 1000 मीटर। राइट आंसर इज ए। वैस्कुलर ब्रॉनिंग इन टोमेटो इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, टोमेटो में वैस्कुलर ब्रॉनिंग डिसऑर्डर है वो किस वजह से होता है? दैट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम। नेक्स्ट इज द कल्टिवेटेड कसावा मनी होट एस्कुलेंटा सब स्पीसीज एस्कुलेंटा वाज डोमेस्टिकेटेड इन द अमेजोन लाइकली फ्रॉम। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कसावा होता है आपका मनी होट एस्कुलेंटा सब स्पीसीज एस्कुलेंटा, तो ये जो है आप कह रहा है कि अमेजोन में डोमेस्टिकेटेड हुआ, यानी कि वहां पे इसका नेटिव प्लेस है, ओरिजिन हुआ, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम डोमेस्टिकेशन में आया। तो कौन सी स्पीसी से इसका ओरिजिन हुआ? तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वाइल्ड प्रोजेनिटर कौन सा है कसावा का? मनी होट ग्लेजियो भी, एस्कुलेंटा सब स्पीसीज फ्लेवेलिफोलिया या ग्रहमी या पिलोसा? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है डेट इज योर बी, यानी कि मनी होट एस्कुलेंटा सब स्पीसीज फ्लेवेलिफोलिया। तो डेट इज द प्रोबेबल या बाइल प्रोजेनिटर ऑफ योर कसावा। तो हम कह सकते हैं कि इस स्पीसीज से कसावा जो है वो इवॉल्व हुआ था, डोमेस्टिकेटेड हुआ था कहाँ पे? अमेजोन में। ओके, नेक्स्ट इज
कसावा ब्राउन स्ट्रीक डिजीज, इसको वॉच बाय कसावा ब्राउन स्ट्रीक डिजीज। एक तो कसावा मुजैक डिजीज है और एक कसावा ब्राउन स्ट्रीक डिजीज है, तो ये दोनों बहुत ही डिवास्टेटिंग डिजीजेज हैं कसावा की। तो जो कसावा ब्राउन डिजीज स्ट्रीक डिजीज है ये किससे होती है, कसावा ब्राउन स्ट्रीक वायरस से या युगांडा कसावा ब्राउन स्ट्रीक वायरस या बोथ एंड बी? द राइट आंसर इज ए सी, बोथ एंड बी, दोनों वायरस रिस्पॉन्सिबल है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है दोनों ही। ओके नेक्स्ट इज द वेक्टर ऑफ कसावा ब्राउन स्ट्रीक वायरसेस। अब कसावा ब्राउन स्ट्रीक वायरस जो है ये किससे ट्रांसमिट होता है, तो राइट आंसर इज इसका बेमिसिया टेविसाई यानी कि व्हाइट फ्लाई, राइट आंसर इज ए। कसावा जीनोम इज हाईली डैश इन नेचर, कसावा जीनोम जो है हाईली हिट्रोजाइगस इन नेचर है। ओके नेक्स्ट इज स्पिनच हैज एन एस्टिमेटेड जीनोम साइज ऑफ, स्पिनच का लगभग जीनोम साइज कितना है, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 989 MB, राइट आंसर इज ए। द प्रोजेनिटर स्पीसीज ऑफ स्पिनच इज, स्पिनच की प्रोजेनिटर स्पीसीज कौन सी है, तो करंटली द स्पिनच की जो प्रोबेबल डायरेक्ट प्रोजेनिटर है दैट इज स्पाइरेशिया टर्किश टेनिका, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट इज क्रिटिकल डे लेंथ इन गार्लिक फॉर द बल्ब फॉर्मेशन इज, गार्लिक में बल्ब फॉर्मेशन के लिए क्रिटिकल डे लेंथ कितनी होती है, तो दैट इज 12 आवर्स, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर पोलिनेशन इन टोमेटो, टोमेटो में पोलिनेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, तो इसका राइट आंसर है आपका भी 21 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, स्टे ट्यून्ड विद सिंसियर ब्रेनरी। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं सिंसियर ब्रेनरी के नाम से, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, इंस्टाग्राम में हम agrihot_gk_ira के नाम से। सो स्टे ट्यून्ड विद सिंसियर ब्रेनरी, जय हिंद।